हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ पॉलिटी की एनसीईआरटी। वेल, आप में से जो लोग कंसिस्टेंट होंगे उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि आप ऑलरेडी 9th 10th करके आ चुके हैं और 11th के भी हम कंप्लीशन पर आ गए हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डूइंग वन लिटिल थिंग एवरी डे। एक वीडियो भी अगर आप रोज देख रहे थे तो आप एनसीईआरटी का एक लार्ज चंक, इम्पॉर्टेंट चंक पूरा कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन। अभी 3 बुक्स और बाकी हैं इस सीरीज में, प्लीज स्टे ट्यून्ड। हम क्लास 11th की ही दूसरी किताब पोलिटिकल थियोरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास 12th की 2 बुक्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 का, विच इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को समझने में क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हम ये जान चुके हैं, लिविंग का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो जिंदा है, जो सांस ले रही है, जो ग्रो कर रही है, जो बदल रही है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश समथिंग दैट इज स्टैटिक फ्रॉम लिविंग? जो स्टैटिक है वो बदलेगी नहीं, वो समय के साथ ग्रो नहीं करेगी, उसमें बदलाव नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, इट कैन वेरी वेल बी कॉल्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और इस चैप्टर में हम लोग यही एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन से फीचर्स हैं, वो कौन से यूनिक कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इसे डेड नहीं बनाता, इसे लाइव डॉक्यूमेंट बनाता है, लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ बदलता है, समय के साथ ग्रो करता है और इसका स्कोप भी समय के साथ बढ़ता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस डाइमेंशंस ऑफ इट। सबसे पहला सवाल जो आपसे एनसीईआरटी करता है वो ये है कि क्या आपको पता है दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिखना पड़ा था। अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो 74 ईयर्स के अपने लाइफ टाइम में उसने 4 अलग अलग बार कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, 1918 में, फिर 1924 में, फिर 1936 में और फिर 1977 में। इसके बाद जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो कि हम जानते हैं सोवियत यूनियन खत्म हो गई और रशिया बना, तो ऑब्वियसली ये जो नई कंट्री रशिया बना, इसने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसे दुनिया के कई देश रहे हैं बाय द वे जिन्होंने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप करके फिर से लिखा है। बट इफ यू थिंक ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, प्रियम्बल में भी यही डेट लिखी हुई है। और इसे फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950, जो हमारा रिपब्लिक डे भी है। सो द क्वेश्चन इज, इतने साल बीत गए, ऑब्वियसली वी आर इनटू आवर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टेक्निकली 72nd ईयर ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सवाल ये आता है कि जब इतने साल कॉन्स्टिट्यूशन को गुजर गए, फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिगार्ड कर दिया हो, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोचा हो। सो व्हाट इज द रीजन? अब देखिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन डेफिनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, रोबोस्ट तरीके से बनाया गया है। इसको बनाने वालों ने डेफिनेटली बहुत मेहनत की, बहुत विजडम का इस्तेमाल किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, डेफिनेटली इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, वो हमारी कंट्री के हिसाब से बनाया गया है। याद करिए, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि बोरो करते वक्त भी हम बहुत इनोवेटिव रहे हैं। वी हैव बीन वेरी क्रिएटिव, वेरी इनोवेटिव। हमने वही चीज़ें और उसी तरह से चीज़ें बोरो की हैं जो हमारी कंट्री के लिए सूटेड थी। ऑल्सो वी मस्ट अप्रिशिएट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सिर्फ उस समय की नहीं सोच रहे थे, दे वर वेरी फास्ट साइटेड। फ्यूचर में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरीके की समस्या हमारा समाज फेस कर सकता है, उससे रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कभी भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, देखिए अब वो एस्ट्रोलॉजिस्ट तो थे नहीं, वो सिर्फ एक विजन रख सकते थे फ्यूचर का, बट फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता होता। तो अब हम मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहिए? शुड कॉन्स्टिट्यूशन बी फ्लेक्सिबल? क्या कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आए तो ठीक रहेगा? वेल, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो जो भी बातें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जब वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी तब वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएंगी, इसको इंटरप्रेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कैसे डिसाइड होता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या सही है और क्या गलत, इसके लिए हमारे पास जुडिशरी है. सो रिमेंबर, वॉट एवर इज लिविंग रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वे विच जुडिशरी फील्स इज राइट, कि ओके इस पर्टिकुलर प्रोविजन का परहैप्स मतलब ये है. तो इंटरप्रिटेशंस को लेकर भी कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है. और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन भी रहा था तब इस बात पर सहमति थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, क्योंकि हो सकता है भारत देश कई सारे चैलेंजेस फ्यूचर में फेस करे और उन चैलेंजेस के सामने खड़े रहने की कैपेसिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पास होनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते थे कि इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क हो. एंड दैट्स हाउ इट वाज डिसाइडेड कि देयर वुड बी अ बेसिक फ्रेमवर्क, एवरीथिंग विल बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट सिंस ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, तो इट कैन डेफिनेटली नीड रिविजन्स, इट कैन डेफिनेटली नीड चेंजेस. एंड इन दिस सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओपन टू चेंजेस. और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इतना सेक्रेड है, देश को चलाने में इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे ड्रीम्स को बताता है, एस्पिरेशंस को बताता है, हम पढ़कर आए थे, हमारे सारे फ्रीडम स्ट्रगल को समराइज करता है, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, तो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सो कैन इट बी मेड टू बी चेंज्ड इजीली? क्या हम इसे इजीली चेंज करने का प्रोविजन रखना चाहिए हमें, या फिर क्या हमें इसे बहुत डिफिकल्ट बना देना चाहिए टू चेंज? व्हाट शुड वी डू? अगर सेक्रेड है तो चेंज नहीं कर सकते, और अगर बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते तो क्या ये समय के साथ मैचअप कर पाएगा? एंड इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ब्यूटिफुल बैलेंस बनाने की कोशिश करी बिटवीन रिजिडिटी, ध्यान से सुनिएगा, एंड फ्लेक्सिबिलिटी. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दिस? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब द फ्रीडम टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड सिचुएशंस. रिजिडिटी मतलब इसका कोई भी प्रोविजन आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते. तो हमने क्या करा, क्या हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाया या हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया? मैंने क्या कहा आपसे, इंडिया ने इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज किया. कुछ प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो काफी फ्लेक्सिबल हैं, जिन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं, और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिन्हें आप या तो बिल्कुल बदल नहीं सकते या जिन्हें बदलना थोड़ा सा मुश्किल है. इसीलिए मैंने आपसे कहा हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज किया. ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है और ना ही वो एक फाइनल वर्ड है जिसे आप नहीं बदल सकते. कहीं एक बीच का रास्ता निकालने में काफी माहिर हैं, जुगाड़ू हैं भारतीय. तो ऐसा ही कुछ हमने किया, वी अडॉप्टेड द मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अब ये कैसे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ब्लेंड हुई, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक ब्यूटिफुल ब्लेंड लाया गया बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. और इसके लिए हमको एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल समझना पड़ेगा, आर्टिकल 368. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इस आर्टिकल को नहीं भूल सकते. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के दो तरीके हैं, एक ऑर्डिनरी तरीका, एक 368 में लिखा हुआ तरीका. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय ऑर्डिनरी तरीका एंड 368 में लिखा हुआ तरीका? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड सिंपल मेजोरिटी ऑफ द हाउस. मैं आपको सिंपल मेजोरिटी बता चुकी हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सिंपल मेजोरिटी क्या होती है. इसके लिए हमें आर्टिकल 368 के पास जाने की जरूरत नहीं है. जो भी ऐसे आर्टिकल हैं जिन्हें आप एक ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी की तरह के तरीके से बदल सकते हैं, वो आपको सिंपली उसी आर्टिकल के साथ लिखा हुआ मिल जाएगा, दैट इट कैन बी अमेंडेड थ्रू एन ऑर्डिनरी लॉ. बट इन सब के अलावा अगर आपको किसी लॉ में कोई बदलाव करना है, उसके लिए आपको लेकर आना पड़ेगा आर्टिकल 368. तो यहाँ आप एक बात समझिए कि अमेंडमेंट या तो 368 के तहत होंगे या 368 के स्कोप के बाहर होंगे. अगर ऑर्डिनरी है तो 368 के बाहर होंगे, अगर इम्पॉर्टेंट है, अगर क्रूशल है तो 368 के अंदर होंगे. 368 में देखिए क्या लिखा है, आप या तो कुछ ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉ में, या उसमें से कुछ हटा सकते हैं, या उसमें से कुछ बदल सकते हैं, पर ये सब करते हुए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा.
जो भी प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड है, यानी कि मेरा मन कर गया मुझे ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, चलो आज इसको बदल देती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। यू मे बी द प्राइम मिनिस्टर, यू मे बी द प्रेसिडेंट, यू मे बी द होम मिनिस्टर, पर आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बात याद रखिएगा। सो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का पावर है, बट इट हैज टू बी डन थ्रू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपने देखा कैसे बैलेंस स्टैब्लिश किया गया है। हमने बोला यस कैन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड, यस, बट ऐसा नहीं कि हर बात में आप चेंजेस लेकर आ जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? ओपन टू चेंजेस। रिजिडिटी का मतलब क्या है? जहां चेंज नहीं होना चाहिए, जो बेसिक अथोस है उसको आप नहीं बदल सकते, और अगर बदलना भी है तो उसके लिए आपको एक डिफिकल्ट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात पता थी कि कोई ना कोई गलतियां तो हमसे भी हुई होंगी, या गलतियां नहीं भी हुई होंगी तो फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो हमने फोर्सी नहीं की होगी, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट का स्कोप तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी कुछ प्रोविजंस थे जो टेम्पररी थे उस समय पर, जो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती थी कि बाद में इसे हटा दिया जाए। तो हम इसीलिए ओपन टू चेंजेस थे, हम इस बात को लेकर क्लियर थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पर एक बात और याद रखिएगा, हमने एक फेडरल स्ट्रक्चर की रचना की थी जहां हमारे पास सेंटर भी है, स्टेट भी है। ऐसे में आप पूरी तरह से अमेंडमेंट को इजी नहीं बना सकते थे। सोचिए अगर आप अमेंडमेंट को इतना इजी बना देंगे तो कल को स्टेट्स जो हैं इस बात से परेशान हो जाएंगे कि सेंटर अपनी मर्जी से उनके पावर्स को बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 7th स्केड्यूल है, तो इस तरह से तो आप फेडरल स्पिरिट को पूरी तरह खराब कर देंगे। तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेट्स का भी ओपिनियन रखा। हम आगे देखेंगे कैसे आर्टिकल 368 के तहत स्टेट्स भी मैटर करते हैं। देखिए कंक्लूजन सिर्फ ये है, हम ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन डेड डॉक्यूमेंट ना बन जाए, पर वो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट भी ना रह जाए सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में कि उसे जैसे चाहे बदल दिया जाए। एंड दैट इज वाई हम कहीं पर मिडिल पाथ में आए, जहां हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी, जहां हमने रिजिडिटी भी रखी। इस बात को समझना जरूरी है दैट वी एक्चुअली ब्लेंडेड द टू, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों को हमने क्या कर लिया? ब्लेंड कर लिया, इन दोनों को हम साथ लेकर आए। और इसीलिए हमारे पास तीन तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। केयरफुली सुनिएगा, देयर आर 3 वेज हाउ यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। टू ऑफ देम आर गिवन इन आर्टिकल 368। तो ये जो दो तरीके हैं ये आपको 368 में मिलते हैं, बाकी जो ऑर्डिनरी तरीका है वो उसी आर्टिकल में लिखा हुआ होगा। ये जो ऑर्डिनरी तरीका है ना कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, इट जस्ट नीड्स सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला तरीका क्या है? वो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिनको बदलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इट इज वेरी इजी टू चेंज दीज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, या फिर चेंज ऑफ नेम ऑफ स्टेट्स, इन सब में आपको कोई लैबोरेट प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। इट जस्ट नीड्स सिंपल मेजोरिटी, जैसा कि ऑर्डिनरी लॉ में लगता है। ऑर्डिनरी लॉ लाने के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी लगती है। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है ना, याद रखिएगा इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि आर देयर सम अमेंडमेंट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368? यस, 368 में क्या है? ऐसी चीजें जिन्हें बदलना मुश्किल करना था उनको 368 में डाला गया। सबसे पहला तरीका है आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है। 50% मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जिस भी हाउस की अभी मैं बात कर रही हूँ उसका आपको 50% ऑफ द टोटल चाहिए। आगे हम न्यूमेरिकली इसको और डिटेल में समझेंगे। और जो वोट करने आए हैं उनका 2/3 भी चाहिए। नाउ प्लीज नोट, मैंने यहाँ पर प्लस लगाया है, तो ऑप्शन नहीं है कि 50% ऑफ द टोटल और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग। नहीं, वी वॉन्ट बोथ, 50% ऑफ द टोटल एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। देन सेकेंड तरीका है, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए जो अभी आपको बताई, 50% ऑफ द टोटल एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके साथ साथ आपको कंट्री के आधे स्टेट्स की भी हाँ लेकर आनी पड़ेगी।
ये उन फीचर्स के लिए होगा, उन प्रॉब्लम्स के लिए होगा, उन इश्यूज के लिए होगा जो फेडरल नेचर के हैं, जहां कहीं ना कहीं स्टेट राइट्स की बात आ रही है, वहां पर आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी यस चाहिए होगा, बट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। ये बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसी चैप्टर में हम इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे, पर आई होप आपको एक फेयर आइडिया लगा हम क्या बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे आर्टिकल हैं जिनको आप एक सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से अमेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली इनमें और ऑर्डिनरी लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इनको आप एक सिंपल लॉ से बदल सकते हैं, और इनमें खुद ही लिखा हुआ होगा दैट दीज आर्टिकल्स कैन बी चेंज्ड बाय लॉ। तो ये क्या है, 368 के स्कोप के बाहर है, प्लीज रिमेंबर। इसीलिए लिखा है, देखिए, विदाउट रिकोर्स टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368, यहाँ पर आपको 368 पर जाने की जरूरत नहीं है, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। जैसे आर्टिकल 2 देखिए, पार्लियामेंट बाय मे बाय लॉ, बस आप लॉ का इस्तेमाल करके नए स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं, सिंपल क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी लॉ लाना है, आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट मे बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, इसमें भी आपको कोई 368 के यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉ अमेंड ऑर्डिनरी लॉ से हो जाएगा। तो 2 and 3 बोथ आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, पर जिनमें ऐसा नहीं लिखा हुआ, यानी कि रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके लिए आपको 368 का यूज करना पड़ेगा। 368 में भी दो तरीके हैं, वन वे यू नीड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया था, देन यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस द येस ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक बात प्लीज समझ लीजिए, अमेंडमेंट का पावर स्टेट्स के पास नहीं है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस स्टेट्स अमेंडमेंट का बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन लेकर आ सकता है, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा भी इसको इनिशिएट कर सकती है और राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ट्रू और फॉल्स, तो आपको याद रखना है नहीं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑल्सो, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑल्सो। इसके लिए आप कोई स्पेशल एजेंसी नहीं बना सकते कि आपने जी कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना दिया या कोई सेपरेट बॉडी बना दी, ना ना ना, ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। देन हमारे यहाँ देखिए, अमेंडमेंट पे कोई रेफरेंडम नहीं होता, दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए लोगों से पूछा जाता है कि ये अमेंडमेंट करें या ना करें, बट इंडिया में कोई ऐसा रेफरेंडम का प्रोविजन नहीं है। आप सब इसका रीजन जानते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर बात पे पूरी पॉपुलेशन को एक साथ लेकर आना ना तो पॉसिबल है ना ही डिजायरेबल है। देन ऑफकोर्स बिल पास होने के बाद किसके पास जाएगा, प्रेजिडेंट के पास जाएगा। प्लीज पे अटेंशन हियर, प्रेजिडेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, ईदर से यस और से नो, यू कैनॉट सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन, आप इसे वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि प्रोसीजर कितना रिजिड है, द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस केस इज रिजिड। एक तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद अगर स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी आपको यस चाहिए। एंड ऑल्सो इफ यू नोटिस, पावर ऑफ अमेंडमेंट किसको दिया गया, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। क्यों? क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द कंट्रीज सिटीजंस, सो दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द कंट्री। इसीलिए बार बार हमने बोला है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर सॉवरन, उनके पास हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी है व्हेन यू टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है, पार्लियामेंट की, दिस हैज टू बी नोटेड। दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, सो हु इज द डिसीजन, सॉवरेनिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, द पावर टू टेक डिसीजंस, तो किसके पास है ये सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट के पास। इन अदर वर्ड्स, इन द मैटर्स ऑफ अमेंडमेंट वी प्रैक्टिस पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। आई एम श्योर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा होगा ये, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना आपके बहुत सारे डाउट्स यही क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये मेजॉरिटीज हैं क्या,
देखिए, एक सिंपल हमने देखा था ऑर्डिनरी लॉ वाला, जिसमें मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो 268 के स्कोप के बाहर हैं, वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। तो ये सिंपल मेजोरिटी है क्या? बहुत ही आसान भाषा में, जितने भी लोग वोट करने आए आप उसका 50% निकाल लीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए। अगर आपका नंबर इसके बराबर या इससे ज़्यादा आ रहा है तो आपका लॉ पास हो जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि टोटल मेंबरशिप का क्या हुआ। तो फर्ज कीजिए कि इस केस में 247 लोग वोट करने आए और उन्होंने वोट किया, दे वो प्रेजेंट एंड दे वोटेड। तो अगर आप इसका 50% निकालेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो इट वुड बी अराउंड 124। लॉजिक लगा लीजिए आप यहाँ पर 123 पॉइंट समथिंग एंड देन यू एडेड, तो वो आ जाएगा 124। यानी कि सिंपली 124 या इससे ज्यादा लोग अगर हाँ कहेंगे तो आपका बिल पास हो जाएगा। ये सिंपल मेजोरिटी है। अभी नंबर आप अपने हिसाब से बदलते रहिए। अगर 400 लोग आए और वोट करा तो आपका 201 आपको चाहिए कम से कम। सो 50%, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल से कुछ लेना देना नहीं है। स्पेशल में देखिए क्या चाहिए होता है। स्पेशल में आपको दो चीजें चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको चाहिए 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3, वहां हाफ था प्रेजेंट एंड वोटिंग का, यहाँ आपको चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो समझिए कि लोकसभा में 300 लोग आए और उन्होंने वोट किया। अब मैं अगर 2/3 निकालूंगी 300 का तो वो आएगा 200। सो दैट मीन्स मुझे 201 लोग कम से कम चाहिए ताकि मैं अपने बिल को पास करा पाऊं। बट ये काफी नहीं है। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि इस हाउस में जितने भी टोटल मेंबरशिप है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कितने आए हैं नहीं आए हैं, मैं ये देखूंगी कि इसकी टोटल मेंबरशिप कितनी है। तो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप 545 है। मैंने कहा कि अब पहली वाली कंडीशन तो होनी चाहिए, पर इसके साथ साथ मुझे टोटल के 50% से ज्यादा भी चाहिए। सो 545 का अगर आप 50% निकालेंगे सो इट कम्स टू अराउंड 272। यानी कि कम से कम 273 मेंबर्स यस बोलने चाहिए। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, ऊपर 201 आ रहा था, यहाँ पर 273 आ रहा है। अगर लेट सपोज वोट जो यस में आए थे इस केस में वो आए थे 230, तो क्या मेरा बिल पास हो जाएगा मैम? नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहली सिचुएशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन सेकंड सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। प्लीज रिमेम्बर, जब तक दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होंगी ये बिल पास नहीं होगा। अगर ये नंबर लेट से होता 280 तो मैं कहती यस गो अहेड, बिकॉज 280 इज मोर देन 201 एंड 273। अगर ये नंबर होता 300 तो भी मैं कहती जितने आए सबने यस बोल दिया, वेरी गुड। बट रिमेम्बर, जब तक दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होगी ये बिल पास नहीं होता। दो कंडीशंस क्या है? पुट इट इनटू योर हेड, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता के आई हूँ, अगर बिल को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक जॉइंट सेशन होता है। पर इस केस में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में जॉइंट सेशन नहीं होता है। यू कैन नॉट कॉल फॉर अ जॉइंट सेशन। प्लीज रिमेम्बर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैन देयर बी अ जॉइंट सेशन इन केस ऑफ अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स? नो, यू कैन नॉट हैव अ जॉइंट सेशन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू पीपल। नाउ अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो देखिए, दो तरीके के प्रिंसिपल्स काम करते हैं दुनिया में। एक तो जैसा हमने देखा स्पेशल मेजोरिटी, जैसे इंडिया में है, यूएस में है, साउथ अफ्रीका में है, कुछ कंट्रीज में ना लोगों से भी पूछा जाता है, यानी रेफरेंडम का भी प्रोविजन होता है। हमारे यहाँ ये रेफरेंडम का प्रोविजन नहीं है, बट देर आर कंट्रीज ऑन इन द वर्ल्ड जहाँ पर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो आपको उसके लिए पॉपुलर ओपिनियन लेना पड़ता है, यानी लोगों से पूछना पड़ता है कि लोग क्या चाहते हैं ना। वन मोर थिंग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिसमें सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से भी काम नहीं चलता। आप स्पेशल मेजोरिटी ले आए लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी, पर अब आपको चाहिए रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। ये कब होगा? फर्ज कीजिए कोई ऐसा अमेंडमेंट है
जिससे आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को बदलने वाले हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाले हैं। ये सब चीजें आप बिना स्टेट्स की सहमति के नहीं कर सकते। पर अब हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन था, फिर क्या हम सारे स्टेट्स से यस लेकर आए? देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गेट 100% ऑफ यस, वो कभी आएगी नहीं, तो बड़े चेंजेस कभी आ ही नहीं पाते। तो हमने क्या करा, यहाँ पर भी हमने मिडिल वे निकाला कि नहीं, कंसेंट तो लेंगे बट कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं अगर उनमें से हाफ यस कह रहे हैं तो वील गो विद इट। एक और काम किया, स्टेट्स में हमने स्पेशल मेजोरिटी नहीं रखी। जब आप स्टेट में इसको पास कराएंगे ना, तब आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आप देख रहे हैं स्टेट्स का कंसेंसस लिया भी गया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया गया, उसको इम्प्रैक्टिकल नहीं बनाया गया। ऑल्दो स्टेट्स आर कंसल्टेड, बट हाफ इज इनफ एंड ओनली सिंपल मेजोरिटी इज इनफ। इसीलिए मैं कहती हूँ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मार्वल। आप देखिए किस तरह से रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ भी ब्लेंड किया गया है। स्टेट से येस भी ले लिया, पर इस पूरे प्रोविजन को इम्प्रैक्टिकल भी नहीं बनाया। एट द एंड ऑफ द डे हम चाहते क्या थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का टैम्परिंग इजी से ना हो जाए, कि जब जिसका चाहे मन करे उसको बदल दे, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर जनरेशन के पास ये पावर भी हो कि उसे समय के साथ बदले, और समय के साथ उसमें कुछ ऐड करना है या डिडक्ट करना है वो प्रोविजन प्रेजेंट हो। इसीलिए ये फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। नाउ मूविंग अहेड, भारत में कितने अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं और क्या ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाय द वे, जो स्पेशल मेजोरिटी है वहाँ कौन कौन से चीज़ों में आएगी? फंडामेंटल राइट्स, DBSP, इस तरीके के बड़े बड़े बदलाव अगर आप कर रहे हैं सो यू विल हैव टू गो बाय स्पेशल मेजोरिटी, राइट? ओके, नाउ कितने अमेंडमेंट्स आए हैं अभी तक? सो द लेटेस्ट अमेंडमेंट वॉज 105th अमेंडमेंट। ऑफकोर्स वी आर इन आर 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इसमें दो ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, कुछ को लगता है कि नहीं, कंसिडरिंग हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री की यूनिक प्रॉब्लम्स, 105 इज नॉट अ बिग नंबर। अब देखिए ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम आगे देखेंगे कि इनमें से सब अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सम ऑफ देम आर वेरी रूटीन अमेंडमेंट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड किस तरीके के ये अमेंडमेंट्स थे। बाय द वे 105 इज अबाउट स्टेट के पास ये पावर है कि वो बैकवर्ड कास्ट को आइडेंटिफाई कर सके। तो स्टेट्स कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द कास्ट विच वुड कम अंडर बैकवर्ड कैटेगरी। ये 105 अमेंडमेंट से आया था, विच इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट दैट यू नीड टू नो। ना अगर मैं थोड़ी सी इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करूं, वैसे हम 12th क्लास की बुक में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, तो दो पीरियड पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे इन टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट्स, जिसमें बहुत अमेंडमेंट्स हुए। एक 1974 to 76 वाला पीरियड और एक 2001 से 2003 वाला पीरियड। इफ़ आई टॉक अबाउट 74 to 76, इस शॉर्ट स्पैन में 10 के करीब अमेंडमेंट्स आए। ऐसे ही 2001 से 2003 के बीच में यू अगेन सी 10 to 12 अमेंडमेंट्स। अब आप देखिए 74 से 76 में भारत में कांग्रेस डोमिनेशन था, 2001 से 2003 में तो कोलिशन एरा चल रहा था। ये क्या बताता है हमें? यहाँ हमें एक बात क्लियर होती है कि अमेंडमेंट सिर्फ मेजोरिटी है किसी के पास या नहीं है इस पे डिपेंड नहीं करता। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कंट्री का पोलिटिकल सिचुएशन कैसा है। इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन वेदर अ पार्टी हैज मेजोरिटी और नॉट। वॉट डू द पीपल वॉन्ट, वॉट इज द पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री लाइक, किस तरीके की घटनाक्रम हमारे आसपास चल रहे हैं, ऑल दैट वुड डिटरमाइन कि अमेंडमेंट आ रहे हैं या नहीं। इफ आई टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द अमेंडमेंट सो फार, अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अगर हम उसके कंटेंट को थोड़ा सा स्टडी करें तो हम इसको ना अलग अलग ग्रुप्स में डाल सकते हैं। पहले है टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के अमेंडमेंट्स, यानी कि एक ऐसे अमेंडमेंट्स जिसमें या तो सिर्फ उस आर्टिकल को और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया, उसमें कोई बहुत छोटे मोटे चेंजेस आए। कहने का मतलब है लीगल सेंस में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, मेड नो सब्सटैंशियल डिफरेंस टू द प्रोविजन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन्स हैं इन अमेंडमेंट से उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 15th अमेंडमेंट से हाईकोर्ट के रिटायरमेंट की जज, हाईकोर्ट जज के रिटायरमेंट की एज 60 से 62 ईयर्स कर दी। नाउ दिस इज नॉट अ बिग डील,
ये कोई फिलोसफिकल या कोई ब्रेक थ्रू चेंज नहीं है। या सैलरीज बढ़ाई गई 54th अमेंडमेंट से, आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही रूटीन काम है, ये बहुत ही रूटीन बदलाव है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप नया ब्रश लेकर आना चाह रहे हैं अगर घर में, सो यू डोंट हैव टू रियली पुश योर मदर टू मच फॉर इट, इट्स अ सिंपल थिंग। बट अगर आप अपनी मर्जी से, यू अंडरस्टैंड, किसी को घर लाना चाह रहे हैं, ब्रश को नहीं इंसान को, सो दैट वुड नीड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग। सो यू अंडरस्टैंड, सम आर वेरी रूटीन। तो ये जो पहले सेट ऑफ अमेंडमेंट्स हैं, बड़े सिंपल, बड़े टेक्निकल, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से देर देर इज अ प्रोविजन विच सेज कि भैया रिजर्व सीट्स होंगी फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, ये है हमारे प्रोविजन्स में है। इनिशियली ये लिखा गया था कि ये 10 साल के लिए होगा और फिर इसको हटा दिया जाएगा। अब क्या किया जाता है, हर 10 साल में इसको कंटिन्यू किया जाता है, तो हर 10 ईयर्स में इसके लिए एक अमेंडमेंट आता है। अब आप कुछ नया तो नहीं कर रहे, रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है, आप बस उसको एक्सटेंड कर रहे हो, पर उसके लिए भी अमेंडमेंट आते हैं। तो देखो, हमारा जो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा था कि भाई हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेजिडेंट होंगे और प्रेजिडेंट विल हैव टू एक्ट इन एड शल एक्ट इन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्वेश्चन ये आया कि ये एडवाइस बाइंडिंग है या नहीं है, तो उसको क्लियर करके लिख दिया गया क्लियरली दैट द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, पहले भी ऐसा ही हो रहा था, प्रेजिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मान ही रहे थे, पर अब इसको एक्सप्लिसिटली क्लियरली लिख दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया, बट पॉलिटी की वर्किंग्स पर इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप समझ गए होंगे, पहले सेट ऑफ अमेंडमेंट्स वो हैं जो बड़े रूटीन नेचर के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई डायरेक्ट बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। दूसरा, इंटरप्रिटेशंस को लेके, कभी कभी बहुत बार हमने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये देखा कि पार्लियामेंट का इंटरप्रिटेशन किसी आर्टिकल को लेकर अलग था और जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन किसी आर्टिकल को लेकर अलग था। हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। याद करिए, क्वेश्चन ये था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, तो जुडिशरी कह रही थी नहीं जी, फंडामेंटल राइट्स तो सेक्रोसेंट है, पार्लियामेंट ने नहीं कहा नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। तो सवाल किस पर आकर खड़ा हो गया था, दैट वॉट आर द अमेंडमेंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वॉट इज द स्कोप ऑफ द अमेंडमेंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब हमें इसके लिए रिपीटेडली पार्लियामेंट लॉ लेकर आया, 24th अमेंडमेंट से स्पेसिफिकेशंस करी, फिर जुडिशरी ने कोई रूलिंग दी, तो फिर पार्लियामेंट ने कोई इंटरप्रिटेशन करी। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट ऐसे थे जो क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन सेक से डाले गए थे, कुछ ऐसे भी थे जो अपने पावर को बढ़ाने के लिए डाले गए थे। मैं हिंट कर रही हूँ एमरजेंसी पीरियड की, जिनको बाद में फिर अमेंडमेंट से बड़ा बदला गया। 42nd अमेंडमेंट आया, 44th से उसको अंडन किया गया। आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमारा नंबर इतना बढ़ गया है, वाई डू वी सी सो मेनी अमेंडमेंट्स। कुछ तो टेक्निकली है, कुछ बनाए गए थे टेम्पररी पीरियड के लिए, फिर दूसरी गवर्नमेंट ने आके उसको चेंज कर दिया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई यू सी द नंबर गोइंग अप। नाउ, कुछ अमेंडमेंट सच में जरूरी थे, इसको लेकर सबके बीच में सहमति थी, सोसाइटी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी इस डायरेक्शन में डेवलप कर चुकी थी, इसीलिए ये बदलाव आना जरूरी थे। जैसे एंटी डिफेक्शन, भारत में डिफेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, आया राम गया राम, किसी पार्टी से टिकट जीतते कहीं और चले जाते, इस तरह के अमेंडमेंट्स की सख्त नीड थी, तो हम लेकर आए 52nd एंड 91st अमेंडमेंट। 52nd और 91st दोनों ही किससे डील करते हैं, एंटी डिफेक्शन से। 61st से हमने क्या किया, वोटिंग एज को लोअर करी, पहले 21 साल थी, अब हमने कितनी कर दी, 18 साल कर दी। 73rd एंड 74th, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ये वो अमेंडमेंट है जिसको लेकर किसी को डाउट नहीं था, आने ही थे, कंसेंसस के थ्रू आए ही। रिजर्वेशन को लेकर कई सारे आर्टिकल्स आए। 77th अमेंडमेंट से प्रमोशंस में जो रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए वो एक्सटेंड किया गया। 81st से ये बोला गया कि अगर कोई वेकेंट सीट रह जाती है इस साल रिजर्व कैटेगरी की, तो वो अगले साल मर्ज नहीं किए जाएगी, वो अलग कैटेगरी ऑफ सीट्स में रखी जाएगी बैकलॉग के तौर में।
ताकि 50% का क्राइटेरिया वायलेट ना हो। मैंने आपको बताया था ना, रिजर्वेशन में क्राइटेरिया है दैट टोटल रिजर्वेशन के नॉट एक्सीड 50%। तो अगर पिछले साल का बैकलॉग भी आप ऐड कर दोगे तो 50% एक्सीड हो जाएगा ना। इसीलिए बोला गया कि बैकलॉग को आप एक सेपरेट कैटेगरी दिखाओगे, एग्जिस्टिंग में ऐड नहीं करोगे। या 82nd हो गया जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को ये बोला गया, स्टेट या सेंटर की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्वालिफाइंग मार्क्स या मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया इन फेवर में रख सकती है ऑफ एससीज एंड एसटी। कुल मिला के जो रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजंस थे उसके स्कोप को बढ़ाने के लिए आप 77, 81st और 82nd अमेंडमेंट लेकर आए। नाउ कम्स द नेक्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट्स जो कॉन्ट्रोवर्शियल रहे और सबसे ज़्यादा इनमें से आपको मिलेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी इन इंडिया। देखिए एमरजेंसी में ना कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंटर के हाथ में कर दिए जाएं, इसीलिए अमेंडमेंट्स लाइक 38 एंड 39 आए। 38 ने क्या बोला, एमरजेंसी से रिलेटेड बहुत पावर बढ़ा दी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एमरजेंसी इशू करने से रिलेटेड बहुत सारी पावर्स बढ़ा दी सेंट्रल गवर्नमेंट की। देन 39 ने ये बोला कि जो आपके इलेक्शंस हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, स्पीकर के, ये जुडिशरी के रिव्यू के स्कोप के बाहर हैं। अपने आप को एम्पावर करना था ना, तो बोला भैया जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस हैं, ये सब जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएंगे। एंड फाइनली 42nd अमेंडमेंट जिसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बाय द वे आप ध्यान दीजिए, ये तीनों ही आर्टिकल तब आए हैं जब भारत में इंटरनल इमरजेंसी चल रही थी। इट्स सो आयरॉनिकल कि इस समय पर सबसे ज़्यादा बदलाव किए गए। 42nd अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कितने सारे चेंजेस, लोकसभा के टर्म को 5 से 6 साल कर दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज आई, 2 नए DPSPs आए, जुडिशरी की पावर, रिव्यू पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। इट वॉज लाइक यू आर एक्चुअली rewriting a big part of the constitution, एक बड़ा part of the constitution फिर से लिखा जा रहा था। 7th schedule में changes आए, preamble में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया है preamble जब पढ़ा रही थी, वो कौन से 3 शब्द हैं जो इससे जोड़े गए। Literally 53 articles में change आया था 42nd amendment से, and this is the reason why 42nd amendment is called मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कहेंगे ही ना, आप इतना सारा बदलाव लेकर आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इट वुड डेफिनेटली बी कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ऑब्वियसली ये ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करना था। जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट गई, कोलैप्स हुई, नई गवर्नमेंट आई, तो इन सबको अनडन किया गया। जो भी 38, 39, 42 से आया था, इसमें से जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के टेन्योर को 5 ईयर्स वापस कर दिया गया। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिटन इन 43rd एंड 44th इज एक्चुअली गोइंग बैक टू व्हाट वाज ब्रॉट अबाउट बाय 42nd। सो 42nd से जो बदलाव आए थे उनको नलिफाई करने के लिए क्या लाए गए, 43rd एंड 44th अमेंडमेंट। 2 अमेंडमेंट्स आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। 42 का ईयर अगर आपको याद करना है तो देखिए 4+2=6 होता है, तो 1976 में ये आया था। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ कि 42nd अमेंडमेंट कब आया था, 1976। 44 आप याद कर सकते हैं, 4+4=8, तो ये आया था 1978 में। 44th अमेंडमेंट कब आया, 1978 में। अब आप एक बात समझिए, 38, 39 और 42 अनडन बाय 43rd एंड 44th, 5 अमेंडमेंट्स तो एक्चुअली घुमा फिरा के आपको सेम ही चीज़ पर लेकर आ गए। तो इस वजह से भी हमारा जो नंबर है ना अमेंडमेंट्स का, वो आपको ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है। अब देखिए जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द ईयर्स किस तरीके से इवॉल्व किया है। देखिए एक बात पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ और फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, जी हाँ। क्या कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, जी हाँ। बट इसमें एक कंडीशन है जिसे कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्ट्राइन आई थी 1973 में बाय दिस फेमस केस विच इज कॉल्ड केशव नंद भारती केस, जिसमें ये बात क्लियर कर दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं,
बट विदाउट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इसने क्या करा, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर पर एक लिमिट लगा दी। और क्या थी वो लिमिट, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये भी क्लियर कर दिया गया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है एज लॉन्ग एज वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रही। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट इट, इट इज सच अ ब्यूटिफुल जजमेंट। जुडिशरी को भी एक पावर मिला और वो था इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, यानी कौन डिसाइड करेगा अल्टीमेटली दैट व्हाट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज नॉट। जुडिशरी, जुडिशरी बताएगी क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और क्या बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट इट, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म बेसिक स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ। एट द एंड ऑफ द डे ये टर्म बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी के थ्रू आया है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू आया है, बट एट द सेम टाइम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही इवॉल्व हुआ है। इसे कहा जाता है द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी द कॉन्सेप्ट वॉज देयर बट उसको एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर किसने दिया, हमारी जुडिशरी ने। एंड दिस इज द वेरी रीजन वाई वी कॉल आर कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग। इफ यू लुक एट इट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बहुत ब्यूटिफुली रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फिर से हमारे पास लेकर आ जाती है। कनेक्ट करिए, रिजिड क्यों, क्योंकि आप बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल क्यों, क्योंकि आप हर पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। इफ यू लुक एट इट, इट इज अगेन द कमिंग टुगेदर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एथोज रहा है। क्या अभी तक कभी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के बारे में सोचा गया? तो देखिए, 2000 में एक कमीशन बिठाया गया था, वेंकट चलिया कमीशन, जिसका ये काम था कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करे, देखे कहाँ कहाँ चेंजेस की ज़रूरत है। इसको बहुत ज़्यादा बॉयकॉट भी किया गया बाय द वे, अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन वॉज देयर, बट नथिंग ग्रेट केम आउट ऑफ इट। इन द सेंस उसने भी इसी बात को रिट्रीट किया कमीशन ने, कि यू हैव टू मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग बैक टू जुडिशरी और उसका रोल इन दिस एंटायर इंटरप्रिटेशन, हमने देखा केशव नंद भारती केस से कैसे जुडिशरी ने हमें एक कंप्लीट क्लैरिफिकेशन दिया ऑन द अमेंडमेंट प्रोसीजर। इसके अलावा टाइम एंड अगेन जुडिशरी ने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नया मीनिंग मिला है। फॉर एग्जाम्पल, द आइडिया ऑफ 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा रिजर्वेशंस में एक कॉन्सेप्ट जुडिशरी के थ्रू आया था कि आप रिजर्वेशंस जब दे रहे हैं यू कैन नॉट क्रॉस द बेंचमार्क ऑफ 50%। और फिर इसे बाकायदा एक्सेप्ट किया गया बाय एवरीबडी। या फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, जिसमें बोला गया कि ओबीसीज के अंदर वो लोग जो हाई पेइंग जॉब्स में हैं या जिनका इनकम लेवल एक थ्रेशहोल्ड के ऊपर है, दे शुड नॉट बी गेटिंग रिजर्वेशन का बेनिफिट, एंड दैट वॉज एक्सेप्टेड। तो अब देखिए किस तरह से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन को नया मीनिंग मिला, कॉन्स्टिट्यूशन की रिटन प्रोविजंस को नया स्कोप मिला। एट द सेम टाइम ये बोलना कि वी हैव राइट टू एजुकेशन या राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के स्कोप को बढ़ाना या फिर राइट टू क्लीन एयर के बारे में बात करना, ऑल दिस वॉज एक्चुअली वॉट, इट वॉज इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट। ये प्रूव करता है कि कैसे कोर्ट ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आपने तो बोल दिया था राइट टू लाइफ, देन कोर्ट केम अप एंड सेड कि नहीं, राइट टू क्लीन एयर भी है बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, या राइट टू प्रिवेसी। सो द पॉइंट इज, ये सारे प्रोविजन स्टैटिक नहीं रहे, जुडिशरी ने इसे पूरी तरह से लिविंग बनाया बाय इंक्रीजिंग इट्स स्कोप। कोई भी चीज लिविंग कब होती है, जब वो ग्रो करती है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ग्रोइंग थ्रू इट। नाउ दैट इज वेयर वी कम बैक टू द सेम क्वेश्चन विद विच वी स्टार्टेड, इज आर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इट इज डेफिनेटली अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करता है, आप लिविंग हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं आपके आसपास की चीज़ों से। एज सिंपल इज दैट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी समय के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप को बदलता है और रिस्पॉन्ड करता है, डायनमिक है, स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे इंडियन पोलिटिकल सिनारियोज बदले, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपने आप को बदला। पूरी कोशिश करता है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखे, येट इट अलाउज फॉर न्यू थिंग्स टू एंटर। तो इट इज नॉट ओनली ड्यूरेबल इन द सेंस, कुछ फीचर्स हमेशा से चले आ रहे थे और हमेशा तक चले आएंगे। इट रिस्पेक्ट्स द बेसिक एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस, येट इट इज ओपन टू चेंज। एंड डेफिनेटली इसमें पार्लियामेंट की जो हायर पोजिशन है वो मेंटेन रही है, सिंपली बिकॉज
इफ यू लुक एट इट, जो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट के पास है. ये क्यों है? बिकॉज अगेन पार्लियामेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो उसका सुप्रीमेसी इंपॉर्टेंट है. बट आप ये नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट को ही सारे पावर्स दे दें. यू ऑल्सो हैव रूल ऑफ लॉ, तो पार्लियामेंट के लिए गए फैसले पे जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, एंड दैट इज हाउ यू बैलेंस एवरीथिंग टुगेदर. यही ब्यूटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन की कि एवरीथिंग हैज बीन सो बैलेंस्ड. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी की अगर बात करें तो पार्लियामेंट ऑफकोर्स इट हैड द पावर टू मेक लॉस, राइट? इट थ्रू लॉ चेंज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी ने भी एज आई टोल्ड यू टाइम टू टाइम ये स्टैब्लिश किया है, ये पूरी कोशिश की गई है कि आप चाहे एज अ गवर्नमेंट या एज अ लेजिस्लेचर प्रो पीपल मेजर्स लेकर आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा करते हुए आप लीगल प्रोसीजर्स को नहीं छोड़ सकते. ओके, यू कैन ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स, यू कैन ब्रिंग अबाउट अमेंडमेंट, बट दिस शुड बी डन विद इन द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन्स को, लॉज को आप कभी भी वायलेट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अच्छा इंटेंशन हो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रोसीजर. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आज आपका इंटेंशन अच्छा है तो हमने अलाउ कर दिया कि चलिए प्रोसीजर को वायलेट कर लीजिए, बट देन दैट विल बिकम अ हैबिट. और डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना उतना ही जरूरी है जितना लोगों तक बेनिफिट्स पहुंचाना. बिकॉज वंस यू वायलेट रूल ऑफ लॉ, इट कैन बिकम वेरी इजी टू वायलेट रूल ऑफ लॉ. देखिए, जुडिशरी ने ना एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को समझा. सिर्फ जो लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर टर्म लेटर में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना ये कॉन्स्टिट्यूशन के एथोस में था, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में था. तो इफ यू लुक एट इट, जुडिशरी वेरी ब्यूटिफुली कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट जस्ट फोकसिंग ऑन द लेटर्स. सिर्फ जो लिखा हुआ है, जिसको हम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, इट वेंट बियॉन्ड इट एंड इट एक्चुअली केम अप विद दिस बेसिक स्ट्रक्चर थियोरी. बार बार ये चैप्टर हमें बेसिक स्ट्रक्चर थियोरी पे इसीलिए लाता है बिकॉज इट इज द जीनियस ऑफ आर जुडिशरी टू एक्चुअली रीड बिटवीन द लाइन एंड कम अप विद समथिंग बाय द नेम बेसिक स्ट्रक्चर. क्या किया गया? लेटर और स्पिरिट में बैलेंस ही तो बनाया गया. अमेंड कर सकते हैं, हाँ, पर सब कुछ अमेंड कर दे? नहीं नहीं नहीं, देयर वुड बी अ बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर किसको ध्यान में रखकर बनाया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट या उसके बेसिक बिलीव्स को लेकर. सो डेफिनेटली जुडिशरी हैज अ बिग बिग रोल टू प्ले. एंड ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे रहे जो सबको एक्सेप्टेबल थे. केशव नंद भारती केस के बाद कहीं ना कहीं पार्लियामेंट हिला भी और ये बोला भी कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, पार्लियामेंट सुप्रीम है, यू कैनॉट टेल अस कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे. बट कोर्ट ने मिनेवरा मिल्स केस 1980 फिर से बोल दिया, मानना पड़ेगा. इट सेड बेसिक स्ट्रक्चर वॉज इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट. तो जुडिशरी अगेन रिट्रीटेड 1973 में, जो उसने कहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो रिपीट किया गया मिनेवरा मिल्स केस में 1980 टू मेक इट क्लियर कि नहीं, वॉट एवर यू मे डू, यू कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और आज पूरी पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, हर गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को मानती है एंड इट इज बाउंड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑल्सो. सो वॉट इज द कंक्लूजन? इज कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट? डेफिनेटली येस. बट डज दैट मीन यू कैन हैम्पर इट, टैम्पर इट एज पर योर विम्स एंड फैंसीज? नो. तो वही बैलेंस ब्यूटिफुली हमारी जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड द एंटायर स्ट्रक्चर ट्राइड टू मेंटेन, ताकि जो इमेजिनेशन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, जो बेसिक वैल्यूज, जो बेसिक प्रिंसिपल्स, फिलोसफीज थी, जो बाय द वे हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़कर आए हैं, उन्हें इंटैक्ट रखा जाए. आज भी हम डिबेट कर सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जुडिशरी ने ये सही किया, पार्लियामेंट ने ये सही किया, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बिकॉज सी, डिबेट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिबेट शुड वेरी मच बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि हम इन सब के बाद कॉमन मिनिमम गुड तक पहुंच सकें और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे जो हमारा सेट ऑफ गोल्स है वहां तक पहुंचा सके. सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर अबाउट व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर्स को समझा, हमने प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स को समझा, हमने फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को समझा. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10. ऑल द बेस्ट, सी यू.